तो 180 फीट लंबाई है। उनका फिंगर इतना बड़ा है। मजा आया तुमको यहाँ पे आके? हाँ, बहुत मजा आया। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हम लोग जा रहे हैं लाल पहाड़, जहाँ पर लॉर्ड बुद्ध का बहुत बड़ा स्टैचू है। सो वहाँ जाकर मैं सारा ओवरव्यू आपको दिखाने वाला हूँ। सो प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। लेट्स गो। दीदी, लाल पहाड़ कितना दूर है यहाँ से? दूर होता है, बहुत दूर है। कितना मिनट लगेगा यहाँ से? आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा नहीं लगेगी, डेढ़ घंटा लगेगा। डेढ़ घंटा लग जाएगा यहाँ से? रास्ता क्लियर है सब? गाड़ी जा सकता है? ऐसा है रास्ता, ऐसे रास्ता है। ठीक है, चलो। रास्ता थोड़ा खराब है, बागानों के बीचों बीच से होकर जाना पड़ेगा अभी हम लोगों को। कमेन्ट पो भन्छ त भन्नु त के बाबा? तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं लाल पहाड़। आप देख सकते हो यहाँ पर जो लॉर्ड बुद्ध का जो स्टैचू है, काफ़ी बड़ा है। आप सोच सकते हो ये एशिया का लार्जेस्ट लॉर्ड बुद्ध का ये स्टैचू है, बल्कि सिर्फ एशिया का ही नहीं, लग रहा है कि ये बुद्ध का स्टैचू वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू है ये। सो आई नेवर सीन बिफोर दिस काइंड ऑफ बुद्ध स्टैचू। इतना बड़ा है ये स्टैचू। सामने से तो कैमरा से अगर मैं पूरी तरह से इसे शूट करूँ तो वो भी नहीं आएगा, दूर से इसे शूट कर। अभी तक ना ये स्टैचू कंप्लीट नहीं हुआ है, देखेंगे आगे जाकर हम लोग। हाँ, अगर वहाँ पे अगर बोट हो तो मैं पढ़ कर सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा कि कब शुरू किया था इस स्टैचू को बनाने के लिए। पहली बार आया हूँ मैं, जस्ट 3 and 2 hours मोस्टली फ्रॉम माय हाउस। ऐसा ऐसा चीज़ है हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जो हमने कभी नहीं देखा है। आप देख सकते हो उनका फिंगर, जो देख सकते हो उनका फिंगर इतना बड़ा है। उनका पैरों तक भी 6 foot 7 foot का आदमी तक नज़र नहीं आएगा यहाँ पर। पोस दिया नहीं है इस पर कि कब से इसको कंस्ट्रक्शन किया गया था, ऐसा कुछ डिटेल्स यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो स्टैचू है, अगर इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 180 फीट लंबाई है। आप समझ सकते हो कितनी लंबाई है इनकी। ये इसलिए बनाया गया ताकि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस बने। सो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है ये स्टैचू। जब कंप्लीट हो जाएगा, वंस अगेन आई विल कम हियर एंड शो यू हाउ लुक दैट स्टैचू। ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है बोर्ड, इनका साइन बोर्ड जहाँ पर इस बुद्ध का
पूरी डिटेल्स दिया गया हो। संडे का दिन है तो कोई नहीं आया हुआ है, आई डोंट नो क्यों। सो मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि इनके बारे में काफ़ी इंटरनेट में मैंने देखा, इनके बारे में पढ़ा, तो सोचा कि उन्हें एक बार घुमाऊँ क्योंकि मुझे ऐसे भी गोल्डन पगोडा जाना था। इन लोग काफ़ी मस्ती में क्योंकि बहुत ही कम मौका मिलता है हम लोगों को यहाँ घुमाने के लिए, क्योंकि सब अपना अपना लाइफ में बिजी रहता है। आस्ते से दौड़ना, गिर जाएगा। इतनी धूप है यहाँ पर अभी फिलहाल क्योंकि आया है हम लोग गर्मी के दिन पर। हैट्स ऑफ यार, इतना बड़ा स्टैचू वो भी अरुणाचल प्रदेश में बनाना, मानना पड़ेगा सभी कारीगरों को। आई डोंट नो ये क्या बनाया गया हुआ है, जब कंप्लीट हो जाएगा तभी डिसाइड होगा कि यहाँ पर क्या बनेगा और क्या नहीं। अंदर मेरा दम घुट रहा था यार, बहुत ही डेंजर था अंदर यार, पूरा अंधेरा। कि ये क्या पकड़ रहा है, अरुणाचल प्रदेश काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है, डेवलप बन चुका है क्योंकि ऐसे ऐसे टूरिस्ट प्लेस बना चुका है यहाँ पर। अभी लोग काफ़ी भीड़ भाड़ हो रहे हैं अभी हर अरुणाचल प्रदेश के जो भी वंडरफुल प्लेस है, चाहे वो इको रिजॉर्ट की बात करें या स्टैचू का बात करें या गोल्डन पगोडा की बात करें, काफ़ी सारे यू नो अट्रैक्टिव चीज़ें बनाए गए यहाँ पर जो काफ़ी दूर से लोग आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ हमारा फैमिली है क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, इसी वजह से शायद नहीं आया होगा। जिस दिन ये कम्प्लीट हो जाएगा तो ये भी उसी तरीके से पूरा टूरिस्ट प्लेस बनेगा। देख सकते हो इतना बड़ा स्टैचू हमारे आसाम में तो बिल्कुल नहीं है। जो अरुणाचल प्रदेश के जो भी सरकार है यहाँ पे, जो भी टीम मेंबर्स ने जिस तरीके से बातचीत वार्तालाप करके जो स्टैचू बनाया गया है यहाँ पर, सारी डिटेल्स तो मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ यहाँ पर क्योंकि ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया नहीं गया, साइन बोर्ड मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ, तो इसीलिए बस मुझे जो लगा मैंने वो बोल दिया। सोचा था कि स्टैचू का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो साइन बोर्ड में दिया होगा तो मैं वो इन्फॉर्मेशन जो भी डिटेल्स है वो पढ़कर मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। कोई नहीं, जब नेक्स्ट टाइम कंप्लीट हो जाएगा तब ये भी उसी तरीके से बनाया जाएगा, ये भी उसी तरीके से इनको डेकोरेट किया जाएगा हर एक जगहों को। तो सभी बच्चे को आइसक्रीम खिलाएगा बोल के बोला था यहाँ पर आकर, एक भी दुकान नहीं दिखाई दे रहा है। सो अभी स्टैचू देकर हम लोग फिर वापस जाने वाले घर ना, यहाँ पर खींचे बने राम नहीं हो। चलो आए, चलो चलो चलो, जंगल का रास्ता है, अंधेरा हो जाएगा। हमें बहुत मजा आया यहाँ, मजा आया तुमको यहाँ पे आके? हाँ, बहुत मजा आया। फिर आएगा क्या दोबारा? हाँ। कौन लेके आएगा तुमको? पापा। पापा लेके आएगा? पापा तो नहीं आएगा क्योंकि पापा का तो ड्यूटी होगा नेक्स्ट टाइम। नहीं होगा। हाँ, जबरदस्ती लेके आएगा? छुट्टी लेके आएगा। हाँ, चलो यार, चलो चलते अभी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में। सो गाइस, आज के लिए बस इतने ही, हम मिलेंगे आपसे एक और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू। Okay.